वेलकम बे नाजरीन, आप लोगों को एक दफा दोबारा खुश आमदीद करते हैं आपके अपने प्रोग्राम के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तो भाई चार सिंगल मौजूद है माशाल्लाह, शहीद मना रहे हैं, शहीद मना रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सफदर भाई ने जैसा फरमाया इसके अंदर कि हम शहीद मना रहे हैं, मैं तो हैरत में हूँ कि क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये बताए कंडीशन किस काम में चले जा रहे हैं, किस काम में चले, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, इसमें क्लिनिक खोलें आप, इसमें आप गाने सिखाएं। और शुजात भाई की माशाल्लाह आवाज सुनी मैंने, उनका माशाल्लाह सुर सुना, कहीं उन्होंने छोड़ा नहीं, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि शुजात भाई से एक बार कुछ एक जरा और एक और कुछ डिफरेंट, हमारे मुल्क के माशाल्लाह इतने अच्छे गाने हैं, तो शुजात भाई की आवाज में मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा सूट करेगा, शुजात भाई से एक पाकिस्तानी गाना हो जाए। शुजात भाई, अच्छा देखिए सर, बात ये है कि मेरे सामने उस्ताद मोहतरम है बैठे, सर कोई उस्ताद नहीं है सर, हम भी स्टूडेंट हैं, और देखिए मेरी डोमेन नहीं है, और यकीन मानेंगे जब से मतलब मैं इस फील्ड में एज अ सोशल एक्टिविस्ट बना हूँ, मैं एक फलाही इदारे को रन कर रहा हूँ, तो मतलब अब टीवी में सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि फलाना क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, सिर्फ टीवी पर जो है ना न्यूज ब्रेकिंग न्यूज सर, आप रिलैक्स करो सर, आज एतवार है, जो आपका जो एक इमेज है, जो परसेप्शन है, उसको हमने चेंज भी तो करना है ना। हाँ, लोग बोलेंगे बिल्कुल ये सिंगर है, नहीं भाई ये सिंगर है, आप लोग समझे बात को, नहीं नहीं जनाब कोशिश करूंगा। अरे सर साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, क्या बात, क्या बात, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, क्या कहने, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, भाई क्या बात, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा, क्या बात है, भाई मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, घर चाहिए होगा, मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, क्या बात है, गला खराब है आज आपको, बहुत मुश्किल काम है, दूसरा ये कि आपको पता है चीजों का, जब आप वो जहाँ मुर्की है वो तान है उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, जज आप बताइए, नहीं नहीं बहुत अच्छा बात है, कैसे भी सफदर भाई ने कहा ना कि सुजात भाई की को गाने के हवाले से सोचने बड़ी बात है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कोशिश करी, असल में आज अफतारी ग्रैंड अफतारी थी ना, तो चीखना चाखना और मेरा आवाज का गला जो है ना, सर आज कहाँ अफतारी, आज ईद है, कल अफतारी थी हमारी, जो कल अफतारी गुजरी है क्योंकि लास्ट हमारा जो है ग्रैंड अफतारी का था, तो ये समझ लीजिए कि हमने बहुत भागम दौड़ी करी, आवाज हमारी अप एंड डाउन हुई भी थी, चीख हम चाखी चली थी, बस इस पर हमारा गला बैठा हुआ, और आज देख ले ईद पर हमने और मीठा खा लिया, पूरा रमजान गुजारा है इफ्तार सहरी, तो यार वो यार बिल्कुल, दो दिन लगेंगे अभी बॉडी को जो है एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो जब अभी सिवैया दे रही होती उस वक्त भी आदमी डर रहा होता है, अभी भी खुला नहीं खुला। अरे शहरी भाई जी, ये बताइए कि आप इस फील्ड में किस तरह से आए और क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देख के आपने शुरू किया, क्या था वो आप बताएं, और माशाल्लाह मतलब या कोई वो नजर थी जिसने आपको इसमें से पिक किया। आपके तीन चार सवाल बड़े एक साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन वो शॉर्टली मैं कोशिश करूंगा कि उसको करूं। अगर भाई हुआ ही है कि बचपन से ही स्कूल में जैसे मिली नगमों में और कॉम्पिटिशन में नात खानी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उसमें आपको अपनी स्किल का पता चल रहा होता है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, तो जबरदस्त म्यूजिशियंस भी अप्रिशिएट करते थे कि मैं अगर गा रहा हूँ चांद मेरी जमीन फूल मेरा, सर 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 ये हमारे वतन का, क्या कहने हैं भाई, हमारा जान माल सब कुछ, हमारे वतन ये बात, ये बिल्कुल, तो हाँ
मैं कह रहा हूँ बात तो पहले ऐसा ना कीजिए खड़ा ना पड़ जाए बस ऐसा नहीं नहीं ये तो मैं खैर इसके तो लिरिक्स भी मैं शायद भूल गया बचपन में वो है ना अरे भाई कुछ और सुना मैं कुछ और बिल्कुल बिल्कुल इतने बड़े जीवन सागर में हाय पाकिस पा मुश्किल राह गुजर में ओ साहिल उतना बीच भाई में जीने का अरमान दिया तूने पाकिस्तान दिया हो अला इतनी ऊंचाई पे आके खत्म हो जाते हैं नहीं और ये देखें और हमारा बेसिकली ये काम है अच्छा वी आर फैमिली बेसिकली यस और जब हम अपने लोगों को ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा और फिर ऐसे इनाम अल्लाह ताला के हमारे पास मौजूद हैं बिल्कुल ये हैं एक और हमारे भाई हैं इमरान जावेद भाई हैं कामल सकू भाई हैं बहुत बड़े नाम है हमारे अच्छा ये मेरे लिए ऑनर है कि मतलब मैंने कोशिश करी दो तीन कुछ गाने की और मेरे सामने ही हजरत बैठे हुए तो मेरे लिए ऑनर है ये क्योंकि मुझे दूर दूर का पता नहीं है और हमारी कोशिश थी हकीकत बात ये है कि देखें हम दोनों जो है ना बड़े सच्चे हैं हम अगर कोई चीज हमें लगती है ना कि यार ये तो हम कह देते हैं सीखे नहीं बनना मुझे अभी हाँ, नहीं, 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 बता रहे थे कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा निभा आप अच्छा निभा नहीं, 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 आप हमारे जज की हैसियत से और आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे लिए इतना ही काफी है आपका काम नहीं है उसके बावजूद आपने इतना अच्छा गाया तो हमें हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात नहीं इतने कामों में से टाइम निकाल के आप थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं अच्छा मुझे याद नहीं था गाना बड़ी बात है लेकिन ये है कि मैं ना टीवी देखता हूँ आपको पता है तो बस ये है कि आप लोगों को देखकर करंट जाग गया अच्छा देखिए यही कमाल है अल्लाह की तरफ से कि देख के करंट जाग हकीकत है और फिर हमें पता लगा कि आप सिंगर भी हैं नहीं असल में डिफरेंट जब शोज में चैनल्स में जाता हूँ ना तो वहाँ पर बस तज़िया और सोशल एक्टिविटीज तो मतलब आज का जो प्रोग्राम है जो वीनस की जानिब से रखा गया ऐसा लग रहा है कि ईद पे मजा आ गया मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अकबर भाई के ड्राइंग रूम में बैठे हैं बातें कर रहे हैं और नेचुरल बातें कर रहे हैं अभी जो है वो आ रही है अभी खीर भी आ रही है अभी अभी आपको ब्रेक पे सेवैयां भी खिलाई हमने बिल्कुल बिल्कुल जो है इंशाल्लाह आपको खीर भी खिलाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ड्राइंग रूम सही रहिएगा मैं आपको घर वाली बात बता रहा हूं कि भाई ड्राइंग में वाकई में शेर बड़ा मजा आता है माशाल्लाह आप भी आपको भी आप भी नहीं नहीं बिल्कुल तशरीफ लाइएगा और ये लोग तो माशाल्लाह अच्छा मेरे ड्राइंग रूम में हो रहा होता है पूरा मोहल्ला जो फैजिया बाहर गली में खड़ा हो रहा है सफदर भाई हैं अपना किसी को लगा दे अरे बाहर टिकट भी चलते रहेंगे ब्लैक में टिकट चलते रहेंगे नहीं यकीन करें बड़ा ये लोग माशाल्लाह और फिर नहीं ब्लैक हम सिर्फ कपड़े ही पहनते हैं अच्छा ये आप देखें कि आज माशाल्लाह से आज ईद का दिन है और हम जो है मतलब मुझे आप इत्तेफाक देखें हमारी बेगम ने बोला था कि बकायदा ब्लैक ड्रेस है वो ले ले मेरी बेगम ने स्त्री यही करे थे मैंने कहा क्यों डबल डबल मेहनत करवाऊं सर अच्छा यही सही है माहौल कुछ और हो जाता है ईद का माहौल फुटबॉल की वजह से लग रहा है माहौल पे याद आया सरदार भाई आपके यहाँ ईद किस तरह से मनाई जाती है आप लोग किस तरह से ईद मनाते हैं छोटा उम्र में मैं ईदी देने का सीन ज्यादा है अच्छा ये और ईद पे ईद आ गई है कि झूठ स्टार्ट हो गया देखिए हमारे रमजान खत्म हो गया ना ईद का बहुत सिंपल सा जैसे आम घरानों में होता है उसी तरह से नमाज पढ़ने जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद सीधा अम्मी अब्बू के पास अम्मी अब्बू के यहाँ हमारे एक शुरू से चला आ रहा है कि वो दूध में छुआरे जो है वो शीर खुरमा नहीं वो अलग चीज है अच्छा लेकिन ये नमाज के बाद हमेशा से एक एहतमाम रहा है कि वो आने के बाद दूध में सिर्फ खजूर होती है वो हमें पिलाई जाती है वो अम्मी के हाथ से अब्बू वहाँ पे होता है पहले ये तो उसके बाद सबसे मिलके फिर मैं अपने इन लॉज की तरफ जाता हूँ वहाँ सलाम दुआ करके फिर वहाँ से मिल मिला के फिर हम लोग घर जाके क्योंकि आपको पता सब रात भर के जागे होते हैं नींद ही सबकी जो सबकी रूटीन है अच्छा नींद आती भी नहीं एक्चुअली हां फिर सोने के बाद जब शाम में उठते हैं तो फिर दोबारा फिर अम्मी अब्बू के घर पे ही डिनर होता है वो सारे बहन भाई सब लोग सारे वहां पे सब इकट्ठा होते हैं और खाना पीना वो अब्बू के हमारे खुशनसीबी है सर ये खुशनसीबी है वजह ये है कि इस वक्त लोग ये जो घर ना घर ये मुट्ठी खुलना शुरू हो चुकी है
और जिसकी वजह से माशरा बिगड़ते पे बिगड़ता और खराब से खराब होता है। ये अल्लाह ताला का आप पर एहसान है कि आपकी मुट्ठी अब तक इस तरीके की आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी खुश नसीबी है जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक बेशक ऐसी मेरे तो भाई साहब हयात नहीं है। आमीन आमीन। मेरे तब वो हयात नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। और अंदाजा हो रहा है कि किस अजीम वालिद की आप औलाद हैं जो आप जिस मिशन पे आप चल रहे हैं। अल्लाह ताला आप मजबूत करे, आपकी मगफिरत फरमाए, आपको लंबी जिंदगी की तौफीक के साथ फरमाए। डॉक्टर साहब ईद ईद या ईदी ईद कैसे ईद जाते अब ईद तो मेरे आपको बता दिया उन्होंने कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं नमकीन वो सारी बात तो होगी नहीं वो अब आगे की बात के अलावा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरी बारी भी तो आने देना। सियासी हवाले से आप लोग ईद को किस तरह से मनाते हैं अपने हलके में जाते क्या कहने हैं? बड़ा टफ एक दफा दोबारा पढ़िए दूसरा हाथ जो आए ना ईद के जो तीन दिन होते हैं ये हमारे लिए बड़े टफ होते हैं। अच्छा अभी भी बता दीजिए हमारे जो ऑफिस होते हैं यानी हमारे जो उजरे होते हैं जो डेरे होते हैं हमारे तो डेरे होते हैं ऑफिस तो हल्का जो है हल्का अहबाब जो है उनका आना जाना लगा रहता है और जो हमारे हलके में हम समझते जो हमारे बुजुर्ग होते हैं बुजुर्ग जो वोटर सपोर्टर्स होते हैं या कोई बीमार होता है या कोई किसी के यहाँ मैयत हो जाती है या कोई मतलब रमजान में कोई आगे मतलब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो फिर हम तीन जो बिजी शेड्यूल होता है हमारा इसमें से टाइम निकाल के हम उनके पास जाते हैं उनके घर पे जाते हैं इबादत भी करते हैं फातिहा खानी भी करते हैं और ये तीन दिन ऐसे गुजरते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर रहा है। फैमिली को कैसे टाइम देते हो? सब तो शिकायत रहती है दोनों का। अब फैमिली के तो देखो पॉलिटिशियन के फैमिली को तो हमेशा शिकायत रहती है ना वो तो ये मामला तो चलते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ दुनिया के अंदर दो तबके हैं जो अल्लाह को तलाश करते हैं एक वो जो इबादत करता है वो अल्लाह को तलाश करता एक वो जो खिदमत करता है उसको अल्लाह तलाश अल्लाह तलाश करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा शोभा दिया है कि हम अगर सच्चे दिल से अवामुन नास की खिदमत करें और अल्लाह के मखलूक के लिए अपने जिस्म को जो है वो कारावत बनाए उनको फायदा पहुंचाए अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए वाकई में सब लोग अगर ऐसे हो जाए सब लोग ऐसे काम पांच उंगलियां बराबर तो नहीं होती। हाँ, ऐसे ही अच्छे पूरे हर जगह होते अच्छे लोग हैं जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान अब तक कायम और दायम है भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप जैसे अच्छे लोगों को कायम और दायम रखे। शहरी भाई सर मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर जाते हैं तो ईद कभी कभार ऐसा होता होगा वहां गुजरती होगी एक बार ऐसा हुआ वो मुझे जरा शेयर करें कि वो ईद कैसे होती वो अकबर भाई बहुत मुश्किल होती है बहुत हकीकत है प्रोसीजर था और मेरे लिए क्योंकि पहली बार कभी घर से ईद बाहर। अच्छा आपका पहले ट्रिप था पहली ईद हो गई थी पहली ईद था 2018 में जो मैं गया था तो वो उसमें बकरीद थी तो ईद उल अज़हा तो सबसे पहले तो यही कि अब अमेरिका में तो वो उस तरह अब यहाँ पे मंडी कैसे जाऊँ हाँ लेना तब भी मंडी फिर वो सारी चीजें याद आ रही थी अपने वतन की यार हमें कितनी आजादी है कितना हम पे करम है कि हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अपनी सारी चीजें अपने दीन की और अपने जो माशरे की चीजें वो कितने खुल के हम उसको सेलिब्रेट करते हैं अपनी मर्जी से और इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम बाहर जाते हैं मैंने कहा ना कि ट्रेवलिंग से आदमी कुछ सीखता है तो जब हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार यही चीज जो रूल्स हम बाहर जाके फॉलो करते हैं कि हम गाड़ी में चलते हुए सिग्नल का भी ख्याल करेंगे हम कोई भी केन या कोई चीज जो है वो चलती गाड़ी में से नहीं फेंक देंगे बाहर निकाल के एकदम से थूक नहीं देंगे कुछ तो ये सारी चीज हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते यार अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत वतन दिया है इतना खूबसूरत मुल्क दिया है कि अल्लाह ताला की हर नेमत हर चीज इस मुल्क में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस छोटे से खित्ते में अल्लाह पाक ने हर नेमत हर अपनी रहमत जो है वो नाजिल की हुई है तो शुक्र अदा करते हैं। हाँ मिसिंग अपनी जगह कि अम्मी याद आती हैं अब्बू याद आते हैं बच्चे याद आते हैं कि बच्चे के साथ नमाज पढ़ने जा रहे हैं साथ आ रहे हैं तो वो सारी चीजें तो ये रौनक तो हमारे हैं ये हमारे हमारे हैं बिल्कुल सही सिर्फ हमारे हैं। तो वहां पर इसी तरह कैसे ईद पे कोई लोगों से मिलना मिलाना होता है या कोई आपके इवेंट फंक्शन होते हैं? होता है अकबर भाई लेकिन वो इस तरह होता है कि सुबह में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती सब अपना अगर गए तो नमाज पढ़ के वापस अपने घरों में वहीं घर में ही कोई खाने वगैरह बनाए हुए। हाँ शाम में ये होता है कि जैसे मैंने किसी को इनवाइट कर लिया या किसी ने मुझे इनवाइट कर लिया अपने घर में कुछ हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के दोस्त यार अपने रिश्तेदार जमा हो गए और वहाँ सेलिब्रेट कर ली इस तरह होता है। या ये कि जैसे हम लोग जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कोई शो होता है या कोई इवेंट होता है ऐसा कि जिसमें डिनर भी हो साथ में म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो
तो वहां फिर लगता है कि हाँ चलो गैदरिंग अच्छी हो जाती है वहां गैदरिंग। और वहां जब आप पाकिस्तानी गाने गाते हैं तो क्या तासुरात होते हैं, वो चेहरे मैं समझना चाह रहा हूँ कि सामने जो आपके होते हैं जी, क्या वो उनके उस पर गुजर रही होती है। बड़े मैं बता रहा हूँ कि वहाँ लोग तरसे हुए होते हैं और यकीनन क्योंकि वहाँ पे इंडियन शोज भी आते हैं और लोग देखते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जब हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाते हैं तो हमसे वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट आया है तो ये पाकिस्तानी गाने परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंडियंस वो सुनते रहते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हमारे यहाँ से जो भी सेलिब्रिटीज जाती हैं तो वो ज्यादातर कोशिश भी ये करते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग्स और अपने फिल्मी सॉन्ग्स, प्राइवेट सॉन्ग्स ये वहाँ पे जाके परफॉर्म करें। सफदर भाई के हवाले से तो मुझे पता है कि सफदर भाई के जाने से पहले ही वहाँ पर शोर मचना शुरू हो जाता है कि सफदर जिया साहब आ रहे हैं। बिल्कुल। आप जब जाते हैं सफदर भाई तो आपका रूटीन किस टाइप का होता है वहाँ पर? वहाँ बहुत हेक्टिक वाला होता है, ट्रैवलिंग ज्यादा होती है। अच्छा। हम लोग एक स्टेट बहुत दूर, हम लोग क्योंकि जैसे आप फर्क करें मैं पिछले कई सालों से शिकागो में हूँ तो शिकागो उतरना जरूर होता है, लेकिन वहां से जाने के बाद शोज जो है वीकेंड पे, मतलब एक वीकेंड पे आपसे मिलने मुझे डैलस जाना है, डैलस से फिर मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, वहां से फिर जाके जो है वो वॉशिंगटन जाना है। तो हम लोग ज्यादातर जो है पूरा हफ्ता जो है वो ट्रैवलिंग ज्यादा होती है हमारी। वीकेंड पे शोज होते हैं, शोज वीकेंड के ऊपर ज्यादा होते हैं वहाँ पे, मतलब फ्राइडे और सैटरडे शो होता है जी। और बाकी जो जो पांच दिन होते हैं इसमें ट्रैवलिंग ज्यादा होती है हमारी, तो बस वही जगह टिक के बैठना चाहिए तो बड़ा हेक्टिक होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी अमेरिका गए हैं शोज के लिए, लेकिन इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट अ इजी जॉब। फिर आपके ऊपर एक अच्छा, मैं जैसे शहरी गया या मैं हूँ या इमरान जावेद का जिक्र किया, हमारा चक्कर ये कि हमारे अपने शोज होते हैं, हमारे ऊपर ही होता है वो पूरा शो, उसमें जैसे वन मैन ज्यादा होता है हमारा, तो पूरा हमारे ऊपर वो शो डिपेंड किया हुआ होता है, हमारे ऊपर ही वो शो बिका हुआ होता है कि ये लोग आएंगे। ऐसे ही तो मैंने नहीं कहा ना कि जाने से पहले वहाँ शोर मच चुका होता है, मुझे पता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी वाला काम होता है हमारे लिए, तो जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। हिम्मत दे, ताकत दे, आमीन। बस अच्छा लगता है सर वहाँ जाके, जब लगता है कि कोई हम पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका मजा ही कुछ और होता है हमारे लिए, गुरूर कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसी। प्लीज प्लीज, कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ह्यूस्टन से, हम जा रहे थे शो के लिए, मैं जा रहा था नैशविल, तो मेरे साथ एक म्यूजिशियन थे आपके बहुत ही चाहिए, तो उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था, तो जो ऑफिसर थी इमिग्रेशन पे उसने कहा कि आर यू म्यूजिशियन, तो हमने कहा यस, तो कह रहा है कैन यू प्ले समथिंग, तो उसने फौरन बजाना शुरू किया, तो मैंने गाना शुरू किया। भाई वाह वाह। तो आस पास के जितने भी लोग खड़े थे उसमें सुरूर तारी हो गया, उसमें उन्होंने जैसे ही मैंने लिटरली मैंने खत्म किया ना तो उन्होंने तालियां बजाई, तो उसने कहा कि मैं आपके अल्फाज नहीं समझ पा रही कि आप क्या गा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज, आपके सुर मुझे जो है ना, भाई क्या है, वेल डन, इस बात पे जो है जियो पाकिस्तानी, ये म्यूजिक की लैंग्वेज कोई नहीं है, हमारी मट्टी की खासियत है, हम यहाँ यही कहने वाले। मट्टी पे कोई गाना हो जाए डॉक्टर साहब, मट्टी पे कोई गाना हो जाए, कुछ तो हो जाए थोड़ा। ये तो माशाल्लाह, ये दो हमारे नहीं, देखें ये क्योंकि फॉरेन कर आप लोग हैं, ये लोग तो फॉलोअर दे डॉक्टर, मट्टी को थोड़ा पानी पे सुना दे, पानी में हमारी कुछ भी क्या, फूल पे सुना दे। अच्छा, आप ईदी के लिफाफे पे सुना दे, ईदी के लिफाफे पे सुई हट की भी है, नहीं सुना सकता, खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। अरे भाई मैं वाइंड अप हो गया, अरे भाई भाई हजरत वाइंड अप, भाई मैं क्या सुना हूँ, मुझे बात ये आपके साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे जो आपकी फील्ड है सवाल बिल्कुल, बिल्कुल ईद का शो है, फिर वो लाइव चलेगा बोले डॉक्टर साहब ने सुना। हाँ हाँ भाई, याद आ गया, वही बोल रहा हूँ, देखो फौरन आ गई ना बात, याद आ गया, याद आ गया। वतन की मट्टी गवाह रहना, पट्टी पूरी कर, पट्टी आगे बढ़ा दे, वतन की मट्टी गवाह रहे, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया, बीमारा नू शिफा मिल जाती है, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनु तकना बड़ा ही जरूरी है, तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है,
रोज तेनु तकना बड़ा ही जरूरी तुझे न डिसे ते तुझे न डिसे ते चुम लई दए तेरा दर क्या बात बीमार नु शिफा मिल जांदी वाह 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 प्यार नाल ना सही भाई वाह भाई बहुत लग रहा है आज हमें लग रहा है कि हम ईद मना रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही थैंक यू सो मच और देखें आपके वक्त का हमें अंदाजा नहीं हुआ डॉक्टर साहब आपके साथ शुजात भाई आपके साथ मतलब ये लफ्जी जुमले मेरे नहीं है ये वाले ये दुनियावी लफाजी नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ वाकई बहुत मजा आया और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपके साथ होना चाहिए ऐसा नहीं लगा कि हम पहली दफा मिल रहे हैं या हम कोई मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग हैं ऐसा लग रहा है हम एक हैं और ऐसे ही हम लोग ऐसा ही होना चाहिए एक आप लोगों का ब्रेक पे जाने से पहले सफदर भाई और शहरी भाई तो हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये तो हमारे साथ ही है आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोग तशरीफ लाए आपने हमारे लिए टाइम निकाला अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अज़ीज़ के साथ बहुत शुक्रिया आप लोग नाज़रीन वही वाली बात दोबारा से मिलते हैं ब्रेक के बाद